जरा दो में नारा लगाना चाहिए, लोकतंत्र के लिए आवाज एक हो, एक हो, लोकतंत्र के लिए आवाज एक हो, लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों जंतर मंतर में शायद पहली बार नहीं आए हैं और 14 के बाद तो हम लगातार आ रहे हैं और शायद सरकारें जीत रही हैं ऐसा किसी को लगता होगा पर हमें तो नहीं लगता। हमें लगता है कि सरकार हर रोहित के बाद, हर गौरी लंकेश की हत्या के बाद भारी है, वो मुंह छुपाकर के भागे हैं। हम न्याय सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम न्याय आने वाले चुनाव के अंदर में दिखाना चाहते हैं। हमको इस सरकार से न्याय की उम्मीद हो सकती है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होगा। मुझे लगता है जब तक सरकारों ने जुल्म किए हैं, इसके पहले 14 से भी पहले हम आया करते थे, मगर तब शायद लोकतंत्र की एक क्षीण आशा होती थी। मजदूरों पर, आदिवासियों पर हमले जरूर होते थे मगर लोकतंत्र कहीं जिंदा होता था, मगर आज लोकतंत्र में बड़ा खतरा है और चाहे वो गौरी लंकेश की आवाज हो, चाहे कोई त्रिपुरा की आवाज हो, एक से लेकर पाकिस्तान से लेकर के अंत तक, केरल से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के कोने तक या फिर मणिपुर से लेकर राजस्थान तक, जिस तरीके से वो एक एक बात के इतिहास पकड़ रहे हैं, वो पूरी सत्ता के मत में आकर के चढ़े ठोक करके इमारतें गिरा रहे हैं, वो खतरनाक है। और इस खतरनाक लड़ाई के अंदर में हम सब लोग मिलकर हैं, साथ हैं। मैं गौरी लंकेश जी पर एक कविता कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक मिनट के अंदर तुम्हारी बंदूक से मजबूत है मेरी आवाज, मेरे इरादे तुम गोली चलाकर गायब हुए। देखो हर चौराहे पर मेरी आवाज होती है, देखो हर चौराहे पर मेरी आवाज होती है। रंग बिरंगी झंडियां हैं, बेहतरीन लोग हैं, दिलकश आवाजें हैं, मेरी रुख्सती पर शोर है। तुम कहीं तुम दबा कर बैठे हो, मोदी जी शहजादे की है ये बात, तुम कहीं तुम दबा कर बैठे हो, आओ जरा सामने आओ, मेरे कफन में भी बहुत जगह बाकी है, तुम्हारी गोली के लिए भी बहुत सी झांकियां बाकी हैं। ये मेरा मुल्क तुम्हारे नकाबों को उतार रहा है, मैं मर नहीं, देखो देखो कितनी आवाजें उठ रही हैं। मेरे कायर कातिल, मैं गौरी लंकेश अभी जिंदा हूँ, मैं गौरी लंकेश अभी जिंदा हूँ।